हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ लाइक कैप ट्यूटोरियल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अमेजिंग हिंदी सॉन्ग पे ट्रांजिशन बनाना सीखेंगे। सो सॉन्ग का नाम है दो अखियां। आप हैशटैग दो अखियां यूज करके लाइक कैप पे वीडियोस बना सकते हो और आप मेरे को टैग कर सकते हो और आप लाइक कैप को भी टैग कर सकते हो। मैं पहले आपको अपनी एग्जांपल वीडियो दिखाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा उसमें से कुछ अमेजिंग ट्रांजिशंस। सबसे पहले टेक कर लो। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा यह वीडियो कितनी अच्छी थी, तो अब मैं इस वीडियो में से आपको तीन ट्रांजिशन सिखाने वाला हूँ। पहले ट्रांजिशन जो मैं आपको सिखाऊंगा उसका नाम है पोजीशन चेंज। आपने देखा होगा मैंने पोजीशन चेंज करी थी वो वाला। और सेकंड ट्रांजिशन जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है स्क्रीन टेक्स्ट ट्रांजिशन। और थर्ड ट्रांजिशन जो मैं आपको सिखाऊंगा उसका नाम है फ्लैश चेंज ट्रांजिशन, मतलब फ्लैश की डायरेक्शन चेंज होगी। सो सबसे पहले हम चलते हैं पोजीशन चेंज ट्रांजिशन पर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पोजीशन चेंज ट्रांजिशन। सबसे पहले मैं एक क्लिप शूट करूंगा। ओके, अब मैं कुछ पोजीशन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं सेकंड क्लिप शूट करूंगा। ओके, अब मैं अपनी पोजीशन फिर से चेंज करूंगा। फिर से चेंज करने का मतलब मैं कहीं और जाऊंगा। अब मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, मैं यहाँ पे दूसरी क्लिप शूट करूंगा। ओके, अब आपने देखा कि मैंने पोजीशन चेंज करी, फिर मैंने मोशन में लाया ताकि लगे कि ट्रांजिशन है। तो अब हम फिर से एक बार पोजीशन चेंज करेंगे और फिर वहां पे एंड करेंगे। सो हमने अपनी पोजीशन फिर से चेंज कर ली है। अब तो आपने देखा मैंने तीन बार अपनी पोजीशन चेंज करी और आप आउटपुट देख सकते हो। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड ट्रांजिशन जिसका नाम है स्क्रीन टेक्स्ट ट्रांजिशन। सो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम एक क्लिप शूट करेंगे। ओके, अब हम अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे जाएंगे और सेम पोज में पिक क्लिक करेंगे। ओके, सो अब आप आते हैं हम अपनी एडिटिंग पे। मैंने एक इमोजी मतलब अपनी स्क्रीन पे डाल दिया और फिर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ जो कि मेरे लिरिक्स के अकॉर्डिंग है और मैंने ये इमेज सेव कर ली, ठीक है। अब मैं सेकंड वर्ड लिखूंगा और मैं इसको स्क्रीन पे प्लेस करके ये भी सेव कर लूंगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही रिपीट करूंगा जब तक मेरे लिरिक्स खत्म नहीं आते। अलग अलग वर्ड लिख के अलग अलग पिक क्लिक मतलब सेव करता रहूंगा, ठीक है। ओके, अब मैंने लास्ट इमोजी लगाया और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने व्हाट्सएप पे जाऊंगा, ठीक है। और मेरे पास ये दूसरा फोन है, ठीक है। मैं इस पे ये सारी पिक सेंड कर दूंगा एक एक करके, जो भी मैंने अलग अलग सेव करी है मतलब अलग अलग टेक्स्ट के साथ। तो मैं सारी पिक सेव कर लूंगा और मतलब सेंड कर दूंगा दूसरे फोन पे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को लाइक कैप पे फिर से वापस आना है, ठीक है। मेरे को बैक कैमरा ऑन करना है और अपने दूसरे फोन पे वो सारे पिक्स ओपन करनी है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस फोन में मैंने पहली क्लिप शूट करी, नीचे से ऊपर की तरफ लाया मैं, ठीक है। अब मैं दूसरे पिक ओपन करूंगा और मैं अब वैसे ही सेम शूट करूंगा, ठीक है। और मैं एक एक करके शूट करता जाऊंगा ताकि अलग अलग पिक्स आती रहे, मतलब अलग अलग टेक्स्ट आता रहेगा। फिर मैंने थर्ड पिक शूट कर ली, ठीक है। मैं ऐसी लास्ट पिक भी शूट करूंगा जस्ट कीप वॉचिंग, ठीक है। ओके, अब आप आउटपुट देख सकते हो। हेलो गाइस, सो जैसे कि मैंने अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी है, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्लैश चेंज ट्रांजिशन। तो फ्लैश चेंज ट्रांजिशन के लिए आपको अपने फोन में लाइक ऐप को ओपन करना है, अपने साउंड को सिलेक्ट करना है और फिर आपको फ्लैश लाइट ऑन करनी है बैक कैमरा की। बैक कैमरा पे स्विच करके आपको फ्लैश लाइट ऑन करनी है, फिर आपको जाना है मिरर के फ्रंट में, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मेरी जो फ्लैश की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो आप एक बीट के लिए शूट करेंगे यहाँ पे,
फिर उसके बाद आपको अपनी फिंगर लेनी है, आपको फ्लैश पे रखना है और उसको रब करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी फिंगर, ये आपकी फ्लैश लाइट, उस पर आपको रब करना है और फिर आपको सेकंड क्लिप शूट करनी है। और आप एक्सपोजर का ध्यान रखिएगा, तो आपको लाइक ऐप में दिखे जाता है। और आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है, मतलब रब रब द फ्लैश लाइट एंड शूट, फिर से आप रब करो और शूट करो। उससे आप देख सकते हो आपकी फ्लैश की डायरेक्शन बार बार चेंज हो जाएगी, जो हमें एक्चुअली चाहिए। और आप बीट के एंड तक इसको ऐसे ही रिपीट करो। ओके, सो आप आउटपुट देख सकते हो। अब हम आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।